आयु का औसत है, पार्ट सिक्स है, एज पर प्रॉब्लम, जो एज पर क्वेश्चन बताए हैं, पांच वीडियो बताए हैं एज पर, उसके इतना शॉर्ट है कि आप कभी सोच नहीं सकते, अगर एक टाइप से क्वेश्चन कर लिए कभी भूलिएगा नहीं। उसके बाद देखिए आयु औसत पर, औसत आयु पर औसत पर प्रश्न आता है, उसको आप एक सेकंड में बनाइएगा, एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से वो देखना है, उसके बाद कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, अगर एक टाइप से बताएंगे हर क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा हर क्वेश्चन। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से, अगर एज का प्रॉब्लम नहीं देखना चाह नहीं देखें तो जाइए देखिए, अगर देख लिए कभी भूलिएगा नहीं। हमारी लड़ाई तूफानों से है, लहरें बेवजह शोर मचा रही हैं। अगर आप एक चीज़ पर रहें अड़े हुए हैं तो कोई आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व करिएगा और हर एग्जाम को आप क्वालिफाई करने का कैपेसिटी रखिएगा। क्वेश्चन, 10 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है जब उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 15 वर्ष तथा 25 वर्ष है उसके स्थान पर 2 औरत आ जाती है तो दोनों नए औरत की औसत आयु क्या है। अब देखिए करना क्या क्वेश्चन में, 10 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ गया, 2 वर्ष से बढ़ गया, उसके बाद जब उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 15 वर्ष 25 वर्ष, तो करना क्या है 15 वर्ष और 25 वर्ष। अब देखिए उसके बाद क्या करना, प्लस 10 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाता है, बढ़ गया किसका, 10 आदमी का 2 से बढ़ गया, बढ़ गया उसके बाद 2 ब्रैकेट में, उसके बाद करना क्या है 15 प्लस 25 प्लस 10 दूना 20, उसके बाद सब जोड़िए कितना होगा 20 40 60, 60 वर्ष, 60 वर्ष। क्या क्वेश्चन कहा गया, 10 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ गई, जब बढ़ जाए इसी टाइप क्वेश्चन बनाना इस टाइप से, उसके बाद जब उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 2 व्यक्ति का 15 वर्ष तथा 25 वर्ष है उसके स्थान पर 2 औरत आ जाती है, 2 व्यक्ति है 2 औरत आई, उसके बाद देखिए तो क्या 15 वर्ष 25 वर्ष लिए प्लस 10 वर्ष, 2 वर्ष से बढ़ गया, 2 से गुना किए सॉल्व के 60 वर्ष आ गया, 60 वर्ष आ गया। अब देखिए तो कहा गया 2 व्यक्ति जिनके 15 वर्ष 25 वर्ष है उसके स्थान पर 2 औरत आ जाती है, 2 औरत आ जाती है, तो 2 नए औरत की औसत आयु क्या है, 2 नए औरत की औसत आयु। अब देखिए करना क्या है, 2 नए औरत की औसत आयु। अब देखिए क्या करना है, 60 वर्ष है तो 60 वर्ष कितना औरत है, 2 नए औरत आ जाने से औसत आयु, 2 औरत नया आया क्योंकि क्वेश्चन का 2 औरत नया आया तो 2 से भाग दिए तो कितना होगा 30 वर्ष आंसर निकल कर चला, कितना 30 वर्ष। देखिए कैसे क्वेश्चन, वो समझिए आप क्वेश्चन को, पहले एक क्वेश्चन समझिए वर्ल्ड का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। जैसे देखिए 10 आदमियों का औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ गया तो 2 वर्ष से जब बढ़ा तो 10 को बढ़ने पर जितना बढ़ा उससे गुणा कर दीजिए, उसके बाद 2 व्यक्ति जिनकी आयु 15 वर्ष 25 वर्ष है तो 15 वर्ष 25 वर्ष सबको जोड़ लिए, उसके बाद उसके स्थान पर 2 औरत आ जाती है, उसके स्थान पर 2 व्यक्ति है उसके स्थान पर 2 औरत आई तो वो जो 2 आदमी है उसका 15 वर्ष 25 वर्ष है उसके स्थान पर आया तो जितना गया उतना आ गया। उसके बाद कहा 2 नए औरत की औसत आयु क्या है, औसत 60 वर्ष टोटल निकल गया, उसको 60 से 2 से भाग दे 2 क्योंकि 2 नए औरत की औसत आयु, 60 में 2 से भाग दे 30 वर्ष आंसर निकल कर चलाया। इसी तरह क्वेश्चन है, 8 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष से वृद्धि हो जाती है जब 21 वर्ष और 23 वर्ष की आयु के 2 लोगों को नए आदमियों से बदल दिया जाए तो 2 नए आदमियों की औसत आयु क्या है। 8 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष से वृद्धि हो जाती है जब 21 वर्ष 23 वर्ष की आयु के 2 लोग 21 वर्ष प्लस 23 वर्ष, उसके बाद का 8 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष से वृद्धि हो जाती है, 8 का 2 वर्ष से वृद्धि हो जाती है। अब उसके बाद देखिए करना क्या, 21 प्लस 23 प्लस 8 दूना 16 20 और 44
और 16, 6, 3, 9, 10 से सुनना, बाकी 1, 1, 2, 4, 6, 60 वर्ष, 60 वर्ष निकल गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया 21 वर्ष आयु के दो लोग को नए दो नए आदमियों से बदल दिया। क्वेश्चन, जब 21 वर्ष और 23 वर्ष की आयु के दो लोग हैं उसको दो नए आदमियों से बदल दिया। सेम क्वेश्चन, दो लोग था उसको फिर बदल दिया, सेम आ गया। उसके बाद कहा इन दो नए आदमियों की औसत आयु, दो जो नए आदमी आए उसका औसत आयु, दो नए, दो नए आदमियों की, आदमियों की औसत आयु, कितना है 60 वर्ष, 60 वर्ष। उसके बाद दो आदमी है दो से भाग दिए, कितना हो गया 30, 30 वर्ष आंसर निकल कर चला है। आंसर 30 वर्ष इसका आंसर निकल कर चला है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया 8 आदमियों के औसत आयु 2 वर्ष से वृद्धि हो जाती है जब 21 वर्ष और 23 वर्ष की आयु के दो लोगों को दो नए आदमियों से बदल दिया जाता है। दो आदमी से बदल दिया, सेम हो गया दो, क्योंकि 21 वर्ष 23 वर्ष के दो लोग हैं और वो दो आदमी से बदल दिया, सेम हो गया, सेम कम। उसके बाद कहा तो दो नए आदमियों के औसत आयु क्या है, दो नए का औसत आयु पूछा गया, तो दो टोटल 60 वर्ष आ गया। उसके बाद दो नए आदमियों की औसत आयु 60 वर्ष टोटल, उसमें दो और दो है, दो आदमी आया उसे दो से भाग दिया, औसत हमको निकल कर 30 वर्ष चलाया। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन देखिए, 8 आदमी की औसत आयु 3 वर्ष से बढ़ जाती है जब उनमें से दो व्यक्ति जिनकी आयु 20 वर्ष 24 वर्ष के स्थान पर दो औरत सीता एवं मनीषा आ जाती है, तो सीता की आयु क्या है। अब देखिए, 8 आदमी की औसत आयु 3 वर्ष से बढ़ जाती है जब उनमें से दो व्यक्ति जिनकी आयु 20 वर्ष प्लस 24 वर्ष प्लस कितना वर्ष बढ़ा, 3 वर्ष से, 8 की आदमी का औसत आयु 3 वर्ष से बढ़ गया, 3 वर्ष से बढ़ गया। अब देखिए करना क्या, 20 प्लस 24 8 या 24 सबको जोड़िए, कितना होगा 4 8 8 का उसका 2 4 6 68 68 वर्ष निकल गया, 68 वर्ष। उसके बाद ये करना क्या है, दो व्यक्ति जिनकी आयु 20 वर्ष एवं 24 वर्ष के हैं उनके स्थान पर दो औरत सीता और मनीषा आ जाती है, उसके स्थान पर दो औरत सीता और मनीषा आ गया, सेम हो गया। उसके बाद कहा क्योंकि दो व्यक्ति जिनकी आयु 20 वर्ष एवं 24 वर्ष के स्थान पर दो औरत सीता एवं मनीषा आ जाती है, दो औरत है या दो और आ गई। अब देखिए सेम हो गया, अब देखिए तो सीता की आयु क्या है। अब देखिए करना क्या, आपको सीता की आयु पूछा गया। अब देखिए किसी एक हमको पता नहीं है, किसी एक, अगर एक किसी पता रहेगा तभी आप दूसरा का निकाल सकते हैं। अब मान चलिए जैसे अगर मनीषा का पता रहता तो हम सीता का निकाल सकते हैं। किसी एक क्वेश्चन में अगर अधूरा क्वेश्चन, इसका ऑप्शन डी इसका आंसर निकल कर चलाएगा, इसमें अधूरा प्रश्न है, अधूरा प्रश्न है। अब देखिए किसी एक का पता रहेगा तभी आप दूसरा का निकाल सकते हैं, इसमें किसी एक का पता नाम नहीं है हमको, इसलिए इसका आंसर डी ऑप्शन, इसका ऑप्शन डी इसका आंसर निकल कर चलाएगा। देखिए 10 व्यक्ति के एक समूह की औसत उम्र 2 वर्ष से बढ़ जाती है जब समूह के एक 25 वर्षीय व्यक्ति को एक नए आदमी को शामिल कर बदल दिया जाता है। सेम हुआ, किसी आदमी से बदल लिया, वो आदमी था फिर वो आदमी चला गया, दूसरा चलाया, बदल लिया गया, सेम ही एक आदमी था एक ही आदमी आया, क्योंकि एक आदमी है एक ही, अगर वो गया दूसरा चलाया तो सेम हुआ, एक ही आदमी बचा। 25 वर्षीय व्यक्ति एक नए आदमी को शामिल कर बदल दिया जाता है तो नए व्यक्ति की उम्र क्या है। तो देखिए 10 व्यक्ति के एक समूह की औसत उम्र 2 वर्ष से बढ़ जाती है जब समूह के एक 25 वर्षीय व्यक्ति को 25 वर्षीय, तो 25 वर्ष प्लस 10 व्यक्ति एक समूह की औसत उम्र 2 वर्ष से बढ़ जाता है, 2 वर्ष से बढ़ गया, 25 वर्ष प्लस 10 दूना 20 वर्ष 20 25 वर्ष 20 45 वर्ष
तो 45 वर्ष का आंसर निकल कर चला, कितना 45 वर्ष का आंसर निकल कर चला, क्योंकि 10 व्यक्ति के एक समूह की औसत उम्र बढ़ गया। एक 25 वर्षीय व्यक्ति को नए आदमी को शामिल कर बदल दिया वो आदमी को। अब देखिए, जब इस टाइप क्वेश्चन रहे, इसी टाइप से बनाना, समझना क्वेश्चन को बनाना है। तो कहा गया नए आदमी की उम्र क्या है, नए आदमी की उम्र 45 वर्ष, आंसर निकाल कर चलाया। क्वेश्चन देखिए, 8 व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ती है 8 व्यक्ति की औसत आयु। अब देखिए, जब उनमें से एक व्यक्ति को जिसकी आयु 20 वर्ष है बदल कर दूसरा व्यक्ति लिया जाता है, तो दूसरे व्यक्ति की आयु वर्षों में क्या है। अब देखिए बढ़ जाता है, इस टाइप क्वेश्चन क्या करना है, 8 व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ गई, उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 20 वर्ष है, कितना 20 वर्ष है। अब देखिए 20 वर्ष है, अब करना क्या है, 20 वर्ष है, उसके बाद करना क्या है, बदल कर दूसरा व्यक्ति लिया, एक व्यक्ति जिसकी आयु 20 वर्ष है बदल कर दूसरा व्यक्ति लिया, सेम क्वेश्चन होगा, सेम बदल लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरे व्यक्ति की आयु क्या है 20 वर्ष, उसके बाद करना क्या है, 8 व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ गया, 8 2 से बढ़ गया, 2 वर्ष से बढ़ गया, तो 20 प्लस 8 दुना 16 कितना 36 वर्ष इसका आंसर निकल कर चलाएगा। क्योंकि जैसे देखिए क्वेश्चन को, 8 व्यक्ति का औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ गया, उसको पहले रहने दीजिए। तो कहा गया, जब उनमें से एक व्यक्ति को जिसकी आयु 20 वर्ष है, एक व्यक्ति जिसकी आयु 20 वर्ष है बदल कर दूसरा व्यक्ति लिया, एक आयु 20 वर्ष है उससे बदल लिया, सेम फिर आ गया, जितना बदला वही आदमी फिर आया, एक आदमी फिर आ गया, सेम ही हुआ, गया आया, बदल लिया मतलब क्या, एक से बदल लिया, वही एक आदमी गया तो एक आदमी आ गया, सेम हो गया, तो 20 वर्ष उसको ले लिए प्लस। अब देखिए, 8 व्यक्ति जिसकी 2 वर्ष से बढ़ गया, 2 से बढ़ गया, 2 से गुना किए 36 वर्ष, तो कहा गया इन दूसरे व्यक्ति की औसत आयु कितना है, इन दूसरे व्यक्ति की औसत आयु वर्षों में बताइए, दूसरा व्यक्ति जो आया उसका 36 वर्ष है, क्योंकि बदल लिया, उसका बदला गया, उसका कितना, जो पुराना था उसका औसत आयु, एक व्यक्ति का औसत आयु 20 वर्ष था, जो बदल लिया गया उससे क्या हुआ। इसी टाइप क्वेश्चन में जब बदला गया या कुछ भी कहे, इस टाइप क्वेश्चन में इसी टाइप से बनाना है, दो क्वेश्चन को शुरू में बताए हैं, इसी टाइप क्वेश्चन है। देखिए, एक परिवार के 6 सदस्य की औसत आयु 25 वर्ष है, जब 25 वर्ष की एक सदस्य परिवार से चला जाए तो औसत आयु क्या होगा। 6 सदस्य की औसत आयु 25 है, तो 6 गुने 25, उसके बाद एक परिवार चला गया 45 वर्ष का, तो बचा कितना, 6 सदस्य का औसत आयु 25 था, 6 सदस्य था, एक सदस्य चला गया, कितना 5 बचा, उसके बाद 6 को 5 से करिए 150, अब माइनस 45 अब बटा 5, तो कितना बचेगा, 150 में से 45 जाएगा तो 105 अब बटा 5 कटेगा, 5 दुना 10 21 वर्ष इसका आंसर निकल कर चलाएगा, कितना 21 वर्ष इसका आंसर निकल कर चलाएगा। क्वेश्चन का, एक परिवार के 6 सदस्य की औसत आयु 25 है, 6 के 25 से गुना किए, जब 45 वर्ष का एक सदस्य परिवार से चला जाए तो माइनस 45 अब बचा कितना, एक चला गया बचा कितना 5 से भाग दिए, आंसर निकल कर चलाया। देखिए, 6 बच्चों की एक समूह की औसत आयु 13 वर्ष है, 8 वर्ष का एक बच्चा के चले जाने से बचे हुए बच्चों की औसत आयु 3 वर्ष के बाद क्या होगा। 6 बच्चों की औसत आयु कितना है 13, तो 6 गुना 13, उसके बाद 8 वर्ष का एक बच्चा चले जाने से -8, उसके बाद बचे हुए बच्चों की औसत आयु 3 वर्ष के बाद क्या हो, इस बात का है। अब देखिए, 6 बच्चों की औसत आयु 13 से गुना किए, अब जो चला गया 8 वर्ष का घटा दिए, उसका 6 वर्ष का एक बच्चा 8 वर्ष का चला गया, कितना बचा, 6 में
छह बच्चों के औसत आयु 13 है, तो 6 को 13 से गुना किए और 8 वर्ष का एक बच्चा चला गया, तो 8 घटा दिए तो बच्चा कितना बचा, एक चला गया तो बचा 5 को। उसके बाद देखिए 13 सती 13 6 78 और माइनस 8 बटा 5, 78 में से 8 गया 70 बटा 5, इसको काटिए कितना बार कट गया, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 14 वर्ष, 14 वर्ष, 14 वर्ष। उसके बाद कहा गया 8 वर्ष का एक बच्चा चले जाने के से बचे हुए बच्चों की औसत आयु 3 वर्ष के बाद क्या है, बचा कितना, 14 वर्ष बच गया। अब देखिए 3 वर्ष के बाद क्वेश्चन में कहा गया औसत आयु में 3 वर्ष के बाद औसत है कितना, 14 वर्ष। अब 3 वर्ष के बाद क्या होगा, 3 जोड़ दीजिए 3 वर्ष तो कितना हो जाएगा, 14 17 वर्ष, 17 वर्ष आंसर निकल कर चलाएगा, 17 वर्ष इसका आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप क्वेश्चन इसी टाइप से करना है। देखिए 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी, अब पी क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष है, तदनुसार 10 वर्षों के बाद आर की आयु कितनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले पी पी प्लस क्यू, अब देखिए 5 वर्ष पहले, ये 5 वर्ष पहले का है, 2 है पी क्यू 2, औसत आयु 15 वर्ष, 15 से गुना करिए कितना, 30 वर्ष, ये 30 वर्ष कितना, 5 वर्ष पहले का है, 5 वर्ष पहले का। अब 5 वर्ष पहले का है, वर्तमान में अगर जाएंगे, वर्तमान में तो क्या होगा, 5 वर्ष पहले दोनों का पी और क्यू का, तो 5 5 दोनों में जुटेगा तो कितना होगा, 10, 5 में पी में भी 5 जुटेगा, क्यू में भी 5, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व का है दोनों का, क्योंकि तब 2 लिए, दोनों का औसत कितना, 15 वर्ष, तो दोनों में 5 5 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 10। अब 10 को जोड़िए कितना हो जाएगा, 40 वर्ष, ये हो जाएगा वर्तमान का, वर्तमान में कितना, 40 वर्ष है, वर्तमान में 40 वर्ष। उसके बाद कहा पी क्यू तथा आर का औसत 20 है, पी प्लस क्यू प्लस आर का औसत कितना है, औसत 20 है, तो कितना, 1 2 3, 3 का औसत कितना, 20, कितना हो गया, 60 वर्ष। अब उसके बाद पी क्यू हमको मालूम है 40, यहाँ पी क्यू आर का मालूम कितना, 60 वर्ष। अब देखिए पी क्यू कितना है, 40 है, 40 प्लस आर बराबर कितना, 60 वर्ष। उसके बाद देखिए आर हमको यहाँ निकल जाएगा, आर निकल कर चलाएगा, आर बराबर 60 वर्ष, ये 40 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 40 वर्ष। अब इसको घटाइएगा कितना हो जाएगा, 40 में 60 में 40 है 20 वर्ष, ये आर का मान निकल गया, आर कितना, 20 वर्ष निकल गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया तदन 10 वर्षों के बाद आर की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद आर की आयु, आर हमको 20 निकला, 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, तो 10 जोड़ दीजिएगा, 10 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा, 30 वर्ष, 30 वर्ष आंसर निकल कर चलाएगा। क्योंकि 10 वर्ष के बाद बोला गया, 10 वर्ष के बाद, जब 10 वर्ष के बाद बोला जाए इस टाइप से क्वेश्चन करना है, क्योंकि आर हमको निकल गया 20 वर्ष निकल गया आर का मान। उसके बाद क्वेश्चन का 10 वर्ष के बाद आर की आयु कितनी हो जाएगी, आर का, आर हमको निकल गया 20 वर्ष, 10 वर्ष के बाद, तो 10 हम जोड़ेंगे तो 30 वर्ष आंसर निकल कर चलाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर निकल कर चलाएगा। देखिए 5 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 10 वर्ष थी, ए बी और सी की वर्तमान औसत आयु 25 वर्ष है, तो 4 वर्ष के बाद सी की आयु क्या है। 5 वर्ष पहले ए और बी,
ए और बी 5 वर्ष पहले, ए और बी दो है, दो को कितना औसत है 10 वर्ष, 10 कितना हो गया 20 वर्ष, 20 वर्ष 5 वर्ष पहले का है 20 वर्ष। अब वर्तमान में जाएंगे, वर्तमान में अब कहा ए और बी 5 साल पूर्व, ए और बी का औसत आयु कितना 20 वर्ष, ए और बी कितना दो है, ए और बी दो, दो को औसत कम 10, 10 से गुणा के 20 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व है। अगर वर्तमान में जाएंगे तो पाँच इसमें पाँच पाँच दोनों जुटे, एम भी जुटेगा 5, बी भी जुटेगा 5, तो 10 हो गया, 10 10 वर्ष कितना हो जाएगा 30 वर्ष। वर्तमान कितना 30 वर्ष, वर्तमान में 30 वर्ष। अब उसके बाद क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी की वर्तमान औसत आयु 25 वर्ष है, ए बी ए प्लस बी प्लस सी का औसत कितना 1 2 3, औसत कितना है 25 है, कितना 25 वर्ष। अब 25 वर्ष का सब 25 दिया 75 वर्ष, 75 वर्ष ए बी सी का। उसके बाद कहा गया 4 वर्ष के बाद सी की आयु क्या है। अब देखिए ए बी कितना है, हमको पता है वर्तमान में 30 वर्ष, यहाँ वर्तमान में कितना है ए बी सी का टोटल 75, क्योंकि ए बी सी की वर्तमान औसत आयु 75 है, वर्तमान में कितना 75, ए बी कितना वर्तमान है 30, 30 प्लस सी बराबर 75 वर्ष, तो सी बराबर 75 में से 30 उधर जाएगा, घटेगा कितना बच जाएगा 45, 4 3 7 45 वर्ष, 45 वर्ष सी का। अब क्वेश्चन में कहा गया सी का कौन निकल गया, तो 4 वर्ष के बाद सी की आयु क्या है, सी में 4 सी का है, 4 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 49 वर्ष, 49 वर्ष इसका आंसर निकल कर चल आएगा, 49 वर्ष का आंसर ऑप्शन सी इसका आंसर निकल कर चलाएगा, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व का ए और बी का पूर्व का है, वर्तमान में लाए दोनों को 5 पर, ए भी 5 जोड़े बी भी 5, वर्तमान में आया तो 10 जोड़े 30 वर्ष हो गया, वर्तमान में ए बी सी तीनों का औसत कितना वर्तमान में 25 है, तो 3 1 2 3 का औसत, 3 दुनिया 3 को 25 किया औसत 75 वर्ष। सी का ए बी का मालूम है हमको कितना वर्तमान 30 वर्ष, सी का हम निकाल लिए। उसके बाद कहा गया सी का मान 4 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, 4 वर्ष के बाद, तो 4 वर्ष 49 वर्ष का हो जाएगा।